करनाल में आईजी भारती अरोड़ा ने कैथल रोड स्थित न्यू जिला पुलिस लाइन करनाल में हीरो मोटोकॉर्प सीएसआर पॉलिसी के तहत 50 दो पहिया वाहनों को वितरित किया है। आपको बता दें कि यह वाहन करनाल जिला पानीपत व कैथल के थानों को वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर प्रेमपाल भामा द्वारा हीरो मोटोकॉर्प सीएसआर पॉलिसी के तहत दिए गए वाहनों से पुलिस अब संकीर्ण गलियों में जाकर लॉकडाउन का पालन और सख्ती से करा सकेगी। इसके अलावा जिला पुलिस करनाल के प्रत्येक थानों को एक एक एंटीवायरस बॉक्स वितरित करते हुए बताया गया कि कोरोना महामारी में पुलिस कर्मचारी प्रथम श्रेणी में आकर अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं। ऐसे में संभव है कि वह इस वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए एंटीवायरस बॉक्स किट जिला करनाल के सभी थानों में वितरित की जा रही है। इस किट के माध्यम से समय की कमी के कारण पुलिस कर्मचारी अपनी वर्दी जैसे बेल्ट, टोपी, पर्स व खान पान का सामान को वायरस रहित कर प्रयोग में ला रहते हैं। इसके प्रयोग के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के सामान को इस बॉक्स में रखकर 20 मिनट तक चलाकर छोड़ दें। 20 मिनट के बाद स्विच ऑफ कर 10 मिनट के लिए बॉक्स को बंद ही रहने दें, फिर उसके बाद हम उस सामान को प्रयोग में ला सकते हैं। आईजी भारती अरोड़ा ने बताया कि मैंने इसके बारे में दो दिन पहले ही पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भूरिया से विचार विमर्श किया था, जो पुलिस कप्तान ने पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इन बॉक्सों को एक ही दिन के अंदर बनवाकर तैयार करवा दिया, जिनको आज जिला करनाल के प्रत्येक थानों को वितरित किया गया है। जो पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भूरिया का यह एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि इस महामारी के समय में पुलिस कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य ठीक रखने के कुछ उपाय बताते हुए कहा है कि पुलिस कर्मचारियों को अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। इसके लिए पुलिस कर्मचारी संतरे व नींबू पानी आदि का सेवन कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को 17 दिन हो चुके हैं, अब तक लोगों को बहुत समझाया गया है, लेकिन अब जो लोग नहीं मानेंगे तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा व मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। बाहर घूम रहे हैं तो ऐसे लोग जो अभी भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इस बात की जो सीरियसनेस है उसको नहीं समझ पा रहे हैं और गलियों में बाहर निकल जाते हैं। अब पुलिस गलियों गलियों तक जाके अपने हमारे इन स्कूटर्स और मोटरसाइकिल पे उन लोगों के उनको समझाएंगे, समझा तो काफ़ी चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये आज हमारे तीनों ज़िलों में पानीपत, करनाल और कैथल में मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स का स्क्वाड निकलेगा। दूसरा एक एंटीवायरस बॉक्स हमने बनाया है। एंटीवायरस बॉक्स क्या है? ये एक एल्यूमिनियम का बॉक्स है जिसके अंदर यूवी लाइट का सोर्स है और एल्यूमिनियम फॉइल की दो लेयर्स लगी हुई हैं ऊपर और नीचे। ये एंटीवायरस बॉक्स है, इसको डिज़ाइन किया है डॉक्टर नरेश आईआईटी रोपड़ से, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और इसका मकसद ये है, हमने अपने पर्पज़ के लिए इसको इसलिए बनाया है कि हमारे मुलाजिम जो 24 घंटे सड़कों के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, फ्रंट लाइन में हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं वायरस के लिए, इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं वो, तो ये जब वापस घर जाते हैं वही वर्दी, कैप, यूनिफॉर्म और बेल्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ नहीं धुल सकती हैं। तो कैप्स को और बेल्ट को जो धुल नहीं सकती, इसको कैसे सैनिटाइज करें, उसके लिए ये बॉक्स हमने बनाया है। इस बॉक्स के अंदर ये सामान जैसे कि कैप, बेल्ट, यूनिफॉर्म, मोबाइल्स, बाज़ार से खरीदी हुई चीज़ें भी इसमें रख सकते हैं, जैसे दाल, सब्जियां, दूध, ये सब चीज़ें इसमें रख के इस बॉक्स को बंद कर दिया जाएगा और उसको लाइट को ऑन कर दिया जाएगा। यूवी लाइट जब ऑन होगी तो 20 मिनट का उसका टाइम है, 20 मिनट में यूवी लाइट जो है उसके अंदर जितने भी वायरस होंगे उसको किल कर देगी। उसके बाद 10 मिनट तक बॉक्स को खोलना नहीं है, 10 मिनट बॉक्स बंद ही रहना है, क्योंकि इसमें ओजोन बन जाएगी। ओजोन जो बनेगी वो भी डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, वो भी वायरस, बैक्टीरिया जो भी होगा उसको डिसइंफेक्ट कर देगी। तो ये एक बहुत आसान तरीका हमको लगा कि ये हमने अपने हम हर पुलिस स्टेशन में अब इसको रखवा रहे हैं ताकि हमारा मुलाजिम सुरक्षित रहे, उसकी हमारे मुलाजिम की सेफ्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे नंबर वन प्रायोरिटी पे है। तो ये हमारे जो मुलाजिम हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, पीछे हर थाने से हमारे मुलाजिम हैं, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए कि ये जो यूवी बॉक्स आपको दिया जा रहा है, एंटीवायरस बॉक्स आपको दिया जा रहा है, आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप वापस जाएंगे अपनी ड्यूटी करके नाकों से, जब 12 घंटे की आप ड्यूटी करते हैं नाकों पे, उसके बाद जब आप वापस घर जाते हैं या आपके जब वापस आप पुलिस स्टेशन पे जाते हैं या पुलिस लाइन में जाते हैं, तो हर पुलिस स्टेशन पे और पुलिस लाइन में ये यूवी बॉक्स रखा होगा।
आपने अपनी यूनिफॉर्म, बेल्ट, कैप, कोई और चीज, मोबाइल, पैसा, करेंसी, पर्स, ये चीजें आपने बॉक्स के अंदर रखनी है। बॉक्स को बंद कर देना है और लाइट को ऑन कर देना है। 20 मिनट तक लाइट ऑन रहेगी, उसके बाद लाइट ऑफ कर देनी है, लेकिन बॉक्स को इमीडिएटली नहीं खोलना है, तुरंत नहीं खोलना है, क्योंकि उसके अंदर जो ओजोन बना होगा वो भी उसके अंदर जो सामान रखा है उसको डिसइंफेक्ट करने का काम करेगा। तो 10 मिनट तक उसको और बंद रहने देना है, फिर आप उसको खोल सकते हैं और आपका सामान जो अंदर जितना भी रखा था वो डिसइंफेक्ट हो चुका है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कई बार दिन भर में जितनी बार यूज़ करना चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक प्रिकॉशन आपको बहुत ध्यान रखना है, इस बात का सभी ध्यान से सुने कि यूवी लाइट जो है ये आंखों के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसको लाइट को किसी ने देखना नहीं है, स्किन के लिए बहुत हानिकारक होती है लाइट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.